Marcos, the few, the fearless. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी की एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कहा जाता है। मार्कोस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोस होते हैं, जम्मू कश्मीर में जिन्हें दुश्मन द बेयर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं। इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस हर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, जमीन या फिर हवा। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इनको अमेरिकन नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। भारतीय नौसेना के हजार सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इन्हें 26/11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे। ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस की कुछ चुनिंदा यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के अंदर काम करती हैं। बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन सफल बनाना इन जाबाजों के लिए एक मामूली बात है। मुंबई का कोई हमला हो या श्रीनगर की झेलम नदी या वुला लेक या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन, इन ट्रेड कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कमांडोज समुद्र के तल तक जाके किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। अगर आप मार्कोस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और उनके द्वारा अर्न किए गए बैजेस के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर और ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है। हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मरीन कमांडो बनने के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। इसके लिए आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है और आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक चलती है। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजार जवानों में से सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है। एक फुली क्वालिफाइड मरीन कमांडो बनने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फेज 1 प्री सिलेक्शन। भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उसे सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसी 3 दिन के दौरान 80% जवानों को वापस भेज दिया जाता है। फेज 2 सिलेक्शन। कैंडिडेट जो सक्सेसफुली प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्ते के लिए हेल वीक में भेज दिया जाता है। हेल वीक ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें जवान को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैडेट को सोने नहीं दिया जाता। अगर उन्हें 4 घंटे की नींद भी मिलती है तो वो बहुत खुशनसीब होते हैं। कैडेट्स को लगातार हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। हेल वीक के दौरान जवानों को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना होता है और रात में 60 किलो के बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग कराई जाती हैं जिनमें उन्हें 2.5 किलोमीटर ऑब्स्टिकल कोर्स को कंप्लीट करना होता है और हफ्ते में एक बार उन्होंने 60 केजी बैटल लोड के साथ उन्हें 120 किलोमीटर चलना होता है। हेल वीक की ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल हिस्सा होता है डेथ क्रॉल। सेना की बाकी स्पेशल फोर्सेज के जवान क्रॉल करते हैं जिसमें वो जमीन में लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मार्कोस कमांडोज की डेथ क्रॉल में उन्हें कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद जब कमांडो पूरी तरह थक जाता है और उसे नींद आने लग जाती है तब उन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है जिसके साथ में उनका बड़ी खड़ा रहता है। जो कैडेट हेल वीक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में ही 50% से ज्यादा कैडेट को वापस भेज दिया जाता है। जो बचते हैं उन्हें फिर तैयार किया जाता है मार्कोस कमांडोज के तौर पर। यहाँ इन्हें बेसिक कॉम्बैट डाइवर्स कोर्स कराया जाता है। फेज 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग। सिलेक्टेड कैडेट्स को 10 वीक की बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग दी जाती है INS अभिमन्यु में, जो कि मार्कोस का होम बेस है। बेसिक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स,
हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी कई ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाता है। फिर उन्हें 3 हफ्ते के लिए बेसिक पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेज दिया जाता है। जो कैडेट इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें उनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। फेज 4 एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें हेहो हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हेलो हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदना होता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम के CIGWS में जंगल वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है। उन्हें जंगल वॉरफेयर ही नहीं बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो कोर्स और उसके अलावा कई सारे लैंग्वेज कोर्स, स्नाइपर कोर्स और भी कई सारे कोर्सेस में ट्रेन किया जाता है। मार्कस बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कस कमांडो की ज़्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कस कमांडो हैं। मार्कस की टीम किसी भी हालत में कोई भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के लिए क्षमता रखती है। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में काउंटर टेररिज्म में आर्मी की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं मार्कस द्वारा पहने जाने वाले बैजेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्कस बैच के बारे में। जिस तरह आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान बलिदान बैच को पहनते हैं जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है, तो इस तरह जो जवान 3 साल की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उन्हें मार्कस बैच दिया जाता है। ये बैच केवल मार्कस कमांडोज द्वारा पहना जाता है। हालांकि मार्कस स्पेशल फोर्सेस के जवानों की पहचान गुप्त रखी जाती है, इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि मार्कस स्पेशल फोर्सेस के जवान इस बैच को अपने साथ हमेशा पहने। इस बैच को हमेशा राइट चेस्ट पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। इसके अलावा मार्कस नेवी सील्स बैच भी पहनते हैं। मार्कस को US नेवी सील्स, जो दुनिया की सबसे बेहतर स्पेशल फोर्सेस में से एक है, उनके साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो मार्कस US नेवी सील्स के साथ 24 हफ्तों की बेसिक अंडर वाटर डिमोलेशन यानी BUD ट्रेनिंग को पूरा करते हैं उन्हें बैच दिया जाता है। नेवी सील्स के इस बैच को सील ट्राइडेंट या बडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्स बैच की। ये बैच भारत के अन्य स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी दिया जाता है। ये बैच उन्हें मिलता है जिन्होंने डाइविंग कोर्स को पूरा किया हो और वो अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए फुली ट्रेन हो। मार्कस को गहरे पानी वाले ऑपरेशंस के लिए खास तैयार किया जाता है। मार्कस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप गुमनामी के साथ बिना कोई क्रेडिट लिए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। अगर इस वीडियो को लेकर आपके कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मार्कस The few, the fearless.